स्मोकी फ्लेवर वाला भरता भले ही गांव में बनती है, लेकिन आप चाहें तो इसे अपने गैस चूल्हे पे भी बना सकते हैं। कैसे, चलिए मैं आपके साथ ये शेयर करूंगी। हेलो फैमिली, स्वागत है हमारे चैनल पे। होप आप लोग अच्छे होंगे और हम लोग भी अच्छे हैं। तो आज बनाने जा रहे हैं बैंगन का भरता। ट्रेडिशनल बैंगन भरता बनाने के लिए भले ही चूल्हा ना हो आपके पास, लेकिन वो स्मोकी फ्लेवर ना आपके गैस चूल्हे पे भी आ सकती है अगर मेरे तरीके से बनाइएगा तो। तो चलिए मैं अपने बिहार स्टाइल में आपको बैंगन का भरता दिखाती हूँ। आप चाहें तो इसके साथ सत्तू की बाटी भी बना सकते हैं। अगर आप लोग कमेंट कीजिएगा तो मैं ज़रूर वीडियो अगला डालने की कोशिश करूँगी। तो ये देखिए, मैं यहाँ पर दो बैंगन ली हूँ और गोल वाले बैंगन का ना भरता बहुत अच्छा बनता है। इसको हम लोग तरफ भंटा भी कहा जाता है। इसे मैं अच्छे से धो ली हूँ और चार फांक में इसे मैं इस तरीके से कट कर ली हूँ ताकि अंदर में दिख जाए कि ये सड़ा वगैरह तो नहीं है, ये कीड़े उड़े तो नहीं है। साथ ही साथ अगर बड़े टमाटर हैं तो दो ले लीजिए, छोटे हैं तो तीन आप ले सकते हैं, जैसा आपको खट्टा थोड़ा सा पसंद हो भरते में। तो दो बैंगन को मैं इस तरीके से ली और गैस पे चढ़ा दी। इसे अच्छे से धो करके और कट करिएगा। तो अभी मैं इसे पकाना नहीं शुरू की हूँ, बस मैं लो फ्लेम पे इसे 10-15 सेकंड के लिए गर्म कर रही हूँ ताकि इसका जो धोई थी वो पानी भी खत्म हो जाए और हल्का सा ये गर्म हो जाए। उसके बाद मैं इसे गैस पर से उतार लूंगी। आप चाहें तो इसे रेगुलर पका सकते हैं, लेकिन रेगुलर पका लेने से क्या होगा ना कि आपका गैस गंदा होगा। लेकिन हाथ में थोड़ा सा सरसों तेल लीजिए, इस वाले टिप को जरूर अपना कर देखिएगा। जब ये हल्का बैंगन गर्म हो जाए ना तो हाथ में सरसों तेल लीजिए और बैंगन में अच्छे से कोट कर दीजिए और टमाटर में भी कोट कर दीजिए। अब बैंगन को फिर से पकने के लिए चढ़ा दीजिए। अब जो बैंगन पकेंगे ना तो यहाँ पे आपका गैस चूल्हा नहीं गंदा होगा, इसमें से जो पानी निकलते हैं ना वो पानी भी नहीं निकलेगा और जो इसके छिलके छूट करके गंदे करते हैं ना गैस को वो भी नहीं करेगा। बहुत कम मात्रा में ये इस तरीके से गंदगी गैस पे होगी। तो इस तरीके से पका करके जरूर देखिएगा, इस टिप को करके देखिएगा। आप चाहें तो इसे ऐसे भी पका सकते हैं बिना सरसों तेल लगाए भी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन उससे ना थोड़ा सा इसका जो पानी निकलता है ना तो उससे गैस चूल्हा थोड़ा सा ख़राब हो जाता है। तो ये देखिए पक गए हैं मेरे टमाटर। तो उसको चेक करने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि उसमें चाकू या फोक को अंदर डाल के इस तरह से देखिए तो वो बहुत अच्छे से अंदर चले जाते हैं। तो समझिए बहुत अच्छे से ये पक गए हैं। अब मैं यहाँ पे ये पक गए हैं तो गैस को कर दे रही हूँ कम और दोनों बैंगन को निकाल ली हूँ मैं। अब मैं चढ़ा दे रही हूँ फिर से मीडियम फ्लेम पर टमाटर को, और टमाटर को भी इस तरीके से मैं अच्छे से रोस्ट कर लूँगी। आपको स्मोकी फ्लेवर वाला चाहिए तो उसे अच्छे से स्मोकी फ्लेवर लाने के लिए इसे पकाना है, मतलब ऊपर वाले छिलकों को जला देना है। और जलाने का मतलब ये नहीं है कि हाई फ्लेम कर लीजिए और अंदर से पके भी नहीं और ऊपर से जल जाए। मीडियम फ्लेम पर आराम से इसे पकाना है ताकि ऊपर से जल भी जाए इसका छिलका और अंदर से ये अच्छे से पक भी जाए। तो जब तक टमाटर पक रहा है ना तब तक मैं आपको इधर दिखा दे रही हूँ, दो मैं यहाँ पे प्याज, तीन चार लहसुन की कलियाँ, कुछ अदरक के टुकड़े ली हूँ, तीन चार हरी मिर्च और धनिया पत्ता, हरा धनिया पत्ता बहुत अच्छा टेस्ट आता है। इसे लीजिए और इसे काट छील धो करके तब तक आप रखने की कोशिश कीजिए जब तक कि आपके टमाटर पक रहा है। तो टमाटर में भी इस तरह से चाकू डाल के देखिए बहुत अच्छे से पक गए हैं। तो सभी मेरे यहाँ पे बैंगन और टमाटर पके हुए हैं। अब देखिए यहाँ पे एक और टिप है, एक आलू लीजिए इस भरते के लिए और आलू को थोड़ा सा गैस पे इसे रोस्ट कर लीजिए। बहुत अच्छा और स्मोकी फ्लेवर देता है ये भरते में, एकदम गांव का जो ट्रेडिशनल चूल्हे पे बनता है ना वो वाला टेस्ट आएगा। तो इस तरह से चूल्हे पे थोड़ा मीडियम फ्लेम पे जो उबले हुए आलू है ना, एक ही आलू मैं ली हूँ, आप चाहें तो एक से दो भी कर सकते हैं, उसे भी थोड़ा सा ऊपर का कोट को जला लीजिए, मतलब कि थोड़ा सा रोस्ट कर लीजिए, बहुत टेस्टी लगेगा। अब ये जब थोड़े ठंडे हो जाए ना तो इसके छिलके वगैरह जो है वो उतार लीजिए। अब देखिए मैं आपको तेल लगाने के लिए क्यों बोली थी, तेल लगाने से छिलके देखिए कितने ईजी इसके उतर जा रहे हैं, और जो थोड़ा हल्का गर्म करके मैं तेल लगाई थी उससे आपका गैस चूल्हा नहीं ख़राब होगा, उसका जो रस है ना वो नहीं चुएगा। तो ये देखिए कितने अच्छे से ये छिल गए हैं, ज़्यादा इसमें कोई भी तिगड़मबाजी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और एक बार छिलने के बाद जब बैंगन को भगोने में रखे ना तो थोड़ा सा अलट पलट कर देख लीजिए अंदर में छिलके में, सॉरी बैंगन में कीड़े वगैरह तो नहीं है। ऐसे तो मैं काट कर देख ली थी, और अच्छे बैंगन लीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि इसमें कीड़े नहीं है। तो सभी को मैं छील ली, और आलू तो छिलने की ज़रूरत नहीं है, इसे बस हल्का जो ज़्यादा जल जाता है उसे हटा लीजिए, थोड़ा सा हाथ से उंगलियों की मदद से वो हट जाता है, और उसके बाद ऐसे ही डाल दीजिए तभी स्मोकी फ्लेवर आएगा। इसे धुलने की ज़रूरत नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा, नहीं तो फ्लेवर अच्छा वाला नहीं आएगा। यहाँ पे धुलना नहीं है, बस छिलके को अच्छे से उतार देना है। उसके बाद या तो हाथ से ही मैश कर लीजिए या मैशर की मदद से इस तरीके से इसको मैश कर लीजिए अच्छे से। अच्छा एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, जब भी बैंगन लीजिएगा ना तो उसे हाथ में लेकर देखिएगा, एक तो छेद वगैरह ना हो और दूसरा वो भारी ना लगे। आपका जो भंटा या बैंगन हो ना वो हल्का रहे तो समझिए वो अच्छे वाले बैंगन होते हैं। अब देखिए मैं यहाँ पे चढ़ा दी हूँ तवा,
तवे में थोड़ा सा मैं सरसों तेल डाली और साथ ही साथ मैं भरते में भी कच्चा सरसों तेल डाली। अब यहाँ पे जो प्याज, अदरक, मिर्च, लहसुन और जो धनिया था ना, उसे आप कच्चा भी डाल करके मिक्स कर दीजिए। बहुत से लोग कच्चा ही डाल के खाते हैं, लेकिन अगर जिसे इंस्टेंट खाना हो तो कच्चा डाल के खाइए। अदरवाइज जिसे एक डेढ़ घंटे बाद खाना हो तो प्याज, लहसुन, मिर्च को ना 15-20 सेकंड के लिए तवे पे हल्का रोस्ट कर लीजिए। ध्यान दीजिएगा, ज़्यादा नहीं रोस्ट करना है, 15-20 सेकंड के लिए, ताकि जो कच्चापन का फ्लेवर है ना, बस वो ख़त्म हो जाए। अगर आप एक डेढ़ घंटा भी रखें तो भरते का स्वाद खराब नहीं होगा। मैं दोनों चीज़ बोल रही हूँ, इंस्टेंट खाना है तो आप इंस्टेंट कच्चा डाल करके खाइए, बट अगर आपको थोड़ा देर बाद खाना है तो हल्का 15-20 सेकंड के लिए बस इसे रोस्ट कर लेना है। लेकिन सरसों तेल एक चम्मच कच्चा जरूर डालिएगा भरते में। तो बस यहाँ पे देखिए, मैं गैस बंद कर दे रही हूँ और इसे मैं अब ठंडा कर रही हूँ थोड़ा, 2-4 मिनट के लिए। तब तक इसमें मैं धनिया पत्ता डाल रही हूँ और नमक स्वादानुसार मैं डालूंगी। तो सबसे पहले तो नमक मैं डाल दी और साथ ही साथ जो धनिया पत्ता मैं कट की थी उसे भी डाल दे रही हूँ। चलिए, ज़्यादा देर वेट नहीं करते हैं क्योंकि ठंडा करने में बहुत टाइम लग जाएगा। मैं लगे हाथ ये प्याज वाली जो है ना, रोस्ट की थी वो वाली चीज़ डाल दे रही हूँ मिक्सर को। अब मैं इसे कर दूंगी मिक्स अच्छे से। ये देखिए, सभी को हटा लीजिए और अच्छे से मिक्स कर लीजिए। और इससे जो बनेगी ना भरता, वो बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मतलब स्मोकी फ्लेवर वाली बनेगी। एक बार इसे ट्राई करके देखिएगा। इसे आप चावल के साथ, रोटी के साथ, किसी भी चीज़ के साथ खाइए, बहुत ही टेस्टी लगती है। इस तरीके से देखिए, इसमें ज़्यादा कुछ भी मसाले डालने की ज़रूरत नहीं है। एक बार बना के मुझे ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि आपको ये कैसा लगा। थैंक यू।